हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। आज की डिजिटल दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेट के बिना आजकल सभी काम अधूरे हैं। इंटरनेट के होते हुए हम किसी भी जगह से कुछ भी काम घर बैठे कर सकते हैं और इंटरनेट के रीज़न से ही दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का बिजनेस दूसरे देशों में चलता है और इंटरनेट के रीज़न से ही दुनिया के किसी भी जगह से कुछ भी सामान आप ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, फोटोज कुछ भी मंगवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह पूरा वर्ल्ड इंटरनेट पर डिपेंड करता है, उसी तरह इंटरनेट भी किसी एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है 3W। अगर ये 3W का इन्वेंट नहीं होता तो शायद आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाते, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते, इनफैक्ट ये वीडियो जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे वो भी नहीं देख पाते। तो आइए जानते हैं इस 3W के फुल फॉर्म के बारे में, इसके इन्वेंशन के बारे में और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। इंटरनेट पर कोई वेबसाइट सर्च करते हो तो उस वेबसाइट से पहले 3W लगे होते हैं। इस 3W का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक डेटाबेस है और वर्ल्ड वाइड वेब एक डिजिटल वर्ल्ड की जानकारी का भंडार है और ये आप कह सकते हैं कि ये जानकारी की पूरी दुनिया ही है। इसमें लगभग आप सभी जानकारी आपको मिल जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर जानकारी हाइपरटेक्स्ट या लिंक के अंदर होती है और वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल करके ही आप वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट से दुनिया भर के कंप्यूटर, लैपटॉप या आपके स्मार्टफोन्स को जोड़े रखता है। वर्ल्ड वाइड वेब वेब ब्राउजर और वेब सर्वर जैसे HTML, HTTP पर काम करता है। एज अ एग्जाम्पल, जैसे जब भी आप कोई वेबसाइट इंटरनेट पर ओपन करते हैं या फिर किसी वेब ब्राउजर से वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट की एड्रेस से पहले वर्ल्ड वाइड वेब से शुरू हुई आपको मिलेगी। वर्ल्ड वाइड वेब में हम किसी वेब ब्राउजर से ही पहुंच सकते हैं और वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब या किसी सर्वर पर उपलब्ध जानकारियों को दिखाने या इंटरनेट के फीचर्स को यूज करने के लिए है। सबसे पहले वेब पे 30 अप्रैल 1993 में सन ने बनाया था, जो वर्ल्ड वाइड वेब को दुनिया के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंट टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट केलियाउ ने सन 1989 में की थी और ये पूरी तरह से 6 अगस्त 1991 में शुरू किया गया था। इसी दिन आम पब्लिक के लिए भी वर्ल्ड वाइड वेब को शुरू कर दिया गया था और कुछ ही वक्त के अंदर लोग इसे अच्छे से इस्तेमाल भी करने लगे थे और लोगों को लेकिन शुरू में इसे यूज करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि शुरू में नहीं तो अच्छी तरह से वेब पेज तैयार किए गए थे और ना ही अच्छी तरह के वेब ब्राउजर भी थे। यूरोप में पहली बार सर्वर स्लेक के नाम से दिसंबर 1991 में बनाया गया था और शुरू में कुछ दिनों वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते थे और 30 अप्रैल 1993 को सन ने डिक्लेरेशन किया कि वर्ल्ड वाइड वेब सबके लिए फ्री कर दिया जाएगा। उस टाइम पे ये वर्ल्ड वाइड वेब की तरह ही चलने वाला गोफर प्रोटोकॉल ने भी एक डिक्लेरेशन किया कि अब उनकी सर्विस फ्री नहीं रहेगी, जिससे कि लोग बहुत तेजी से गोफर की बजाय वेब की तरफ हो गए। सन 2001 के सर्वे के मुताबिक वेब में 550 अरब से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर डेटा के फॉर्म में पड़े और सन 2002 के सर्वे के अनुसार 2024 करोड़ वेब पेज थे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में वेब पेज 56.4% से भी ज़्यादा थे। उसके बाद जर्मन भाषा में 7.7%, फ्रेंच में 5.6% और जैपनीज में 4.9% थे। मार्च 2008 तक 10.01 करोड़ से भी ज़्यादा वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड वेब वर्क कर रहा था और ये दिन भर इनकी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड वाइड वेब के फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप चाहें तो होमस्टेड चैनल के बाकी सोशल मीडिया पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वर्ल्ड वाइड वेब का पहला फैक्ट ये है कि वेब पर अपलोड की जाने वाली पहली फोटो सन हाउस बैंड की थी, जिसे लेंस हॉरिबल्स सेनेट के नाम से जाना जाता था और वो तस्वीर 1992 में अपलोड की गई थी, मतलब वेब की पहली फोटो। दूसरा फैक्ट ये है कि एलेक्सा इंटरनेट रिसर्च, जो खुद भी एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक दुनिया की टॉप 5 पॉपुलर वेबसाइट में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और बाइडो और विकिपीडिया है। तीसरा फैक्ट ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब का नाम फाइनलाइज करने से पहले टिम बर्नर्स ली ने इसका नाम मेस माइन ऑफ इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन माइन रखने का सोचा था। चौथा फैक्ट ये है कि ऑनलाइन जाने वाली दुनिया की पहली वेबसाइट आज भी ऑनलाइन है। ये वेबसाइट को 1991 में बनाया गया था और अगर आप चाहें तो दुनिया की पहली वेबसाइट को देख सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
आप चाहे तो वहां से विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन और फैक्ट्स के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूं अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने। वैसे वीडियो थोड़ा लेट मिल सकता है और अगले वीडियो की तैयारी आज से ही शुरू कर देता हूं। तब देखता हूं कि कैसे मैं लेट होता हूं।